अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज आ गई हमारी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज आज है चांद रात और जो काम मेरा अधूरा मैंने छोड़ दिया था कुछ दिन पहले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं डीप फ्रीज़र लेने के लिए गई थी और मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत बड़े साइज़ में थे। तो गाइज आज चांद रात है और मैं जा रही हूँ डीप फ्रीज़र लेने के लिए क्योंकि दानिश ने दो तीन जगह देखा है, पता नहीं, एक तो शायद शायद्रा वगैरह बता रहे थे और बाकी का दरियागंज। तो मैं जा रही हूँ फाइनली, दुआ करिएगा आप लोग कि मुझे मिल जाए। तो मैं इंशाल्लाह बाहर दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत जाम हो रहा है बाहर रोड पे, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत बकरे आए हुए हैं, बहुत जाम हो रहा है वहाँ पर। तो देखती हूँ मैं वहाँ पर क्या बेहतर शूट कर पाऊँगी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा डीप फ्रीज आने वाला है क्योंकि मैं पिछले साल से सोच रही थी और पिछले साल से ही मैं मतलब चाह रही थी कि वो आ जाए। जैसे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं तो उसमें ये रहता है, जैसे आइसक्रीम आती हैं तो अपने फ्रिज की मतलब रख दो उनमें ठीक रहता है, लेकिन इसके अंदर ये रहता है कि हम स्टॉक भी कर सकते हैं, हम आइसक्रीम के कार्टून ला के इसमें रख सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक हमें थोड़ी बहुत मंगानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर हम पेटी भी पूरी रख सकते हैं। तो अच्छा खासा दावत का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह ईद वाले दिन और देखते हैं बाकी का। मैं बाहर जाऊंगी तो मैं वहां पर भी शूट करूंगी। मिलते हैं आगे। हम आ चुके हैं दरियागंज डी फ्रिज के लिए क्योंकि बहुत सारी जगह देखी थी हमने लेकिन कोई भी जगह समझ में नहीं आ रही थी और जितना बड़ा हमें चाहिए था मतलब छोटे साइज़ में ही चाहिए थे और वो तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फ्री
फ्रिज बुक कर दी है मैंने और अब मैं आ गई हूँ जैन को लेकर डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि जैन की तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से। तो अब बारी थी मोमोज की, क्योंकि बकरीद चलेगी काफ़ी दिन तक तो मैं खा नहीं पाऊंगी और मेरे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने चीज़ मोमोज, तो मैं आ गई हूँ यमुना विहार। मना किया है नानी डॉक्टर ने, उसको देना नहीं है कुछ भी बाहर का, नहीं देना देना है। चीज कुरकुरे मोमोज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रिज आ गई है। जरा उतर वही इसको। तो गाइस हमारी फ्रिज आ गई है जो मैं पसंद कर कर आई थी। मैंने वोल्टास कंपनी की फ्रिज ली है 150 लीटर में और फ्रिज हमारी है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इसको 6 आवर ऐसे ही चलाकर छोड़ना पड़ता है बिना किसी सामान के, तो देख सकते हैं आप। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था बाहर और बड़ी मुश्किल से फाइनली मिल गई है मुझे और डीप फ्रीज मुझे मिल गई। और ये जो मेरी फिंगर में ये डीप फ्रीज की चाबी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये चालू हो गई है और इस पे यहाँ सब पे बर्फ जम रहा है। और ये हमारी बिरयानी, आज की वीडियो में बस इतना ही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे घर के बहुत सारे काम हैं क्योंकि सुबह ईद है और आज चांद रात है, तो चांद रात में बहुत सारे काम होते हैं करने के। मुझे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करनी है क्योंकि शीर की तैयारी होगी सुबह इंशाल्लाह, जो कि मैं शूट में जरूर लूंगी। तो गाइस दुआओं में याद रखिए और इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। अपनी ईद अच्छे से इंजॉय करिए और मेरे व्लॉग्स भी जो आएंगे, ये वाला भी व्लॉग मेरा अच्छे से इंजॉय करिएगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।